मूवी के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि समंदर से कुछ क्रिएचर्स निकल के आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका नाम पैरासाइट्स रखा जाता है। फिर हमें एक आदमी अपने कमरे में सोता हुआ दिखाया जाता है, तभी एक पैरासाइट रेंगता हुआ आता है और उसके कान में घुस जाता है। उसको थोड़ी देर की तकलीफ होती है, वो तड़पता है, लेकिन फिर वो आराम से सो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है, शिनजी, जो अपने कमरे में गाने सुन रहा होता है। फिर वहाँ पर भी एक पैरासाइट आता है जो उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता। फिर वो कीड़ा उसके नाक के ज़रिए अंदर घुसने की कोशिश करता है। शिनजी को नाक के अंदर कोई ख़ारिश होती है, वो ये समझता है कि कोई कीड़ा है। वो उसको पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। फिर वो पैरासाइट उसके हाथ पे काट के उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। फिर उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी माँ को ये दिखाता है कि देखें, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। लेकिन उसकी माँ जब उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि जब शिनजी नाश्ता कर रहा होता है तो उसको अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में पैरासाइट घुस चुका था, और फिर वो अपना मुंह खोलता है और अपनी बीवी के पास जाके अपनी बीवी का सर निगल लेता है। वो बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। फिर शिनजी स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है और वो दोस्त भी उसके अंदर बहुत अजीब गरीब हरकतें नोट करती है। फिर वो दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। शिनजी जब स्कूल पहुँच जाता है तो तब भी वहाँ उसके साथ बहुत अजीब हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके सीधे हाथ में बहुत ताकत आ गई है। फिर वो स्कूल से घर आकर अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। उसका हाथ हरकत करने लगता है और देखते ही देखते क्रिएचर में तब्दील हो जाता है। फिर वो शिनजी से बातें शुरू कर देता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो शिनजी की किताबें भी यूज़ करता था और उसका लैपटॉप भी, क्योंकि वो इंसानों के रहने के रंग ढंग जानना चाहता था। जब क्रिएचर ने उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो उसने अपने हाथ से ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दिया था, इसलिए अब वो सिर्फ उसके सीधे हाथ पे इख्तियार रखता था। वो क्रिएचर अपना नाम मिग्गी बताता है और वो शिनजी से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं काटना, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे मेज़बान जो हो। अब हम देखते हैं कि शिनजी और मिग्गी में दोस्ती हो चुकी है, लेकिन बाकी सब लोग जिन पे पैरासाइट्स ने हमला किया था वो बहुत तबाही मचा रहे थे। वो इंसानों को मार मार कर खाते जा रहे थे। मिग्गी शिनजी को खींच के एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर बहुत से इंसान नुमा पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिनजी को देखते हैं तो वो भी ये समझते हैं कि ये एक पैरासाइट है और उसको गोश्त ऑफर करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से इफेक्ट नहीं हुआ और ये इंसान है। वो शिनजी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिग्गी आगे बढ़ के उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि शिनजी मर जाता तो वो भी मर जाता और ये एक खुदगर्जी थी। फिर शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि मारने वाला कौन है, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत चालाकी से कर रहे थे। फिर शिनजी मिग्गी से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम अपने साथियों को क्यों नहीं बोलते कि वो इंसानों को ना खाएं। मिग्गी शिनजी से कहता है कि तुम भी तो गोश्त और सब्ज़ी खाते हो, इसी तरीके से हमारा खाना इंसान है और इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर मिग्गी को ये पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कौन पैरासाइट है। शिनजी जब स्कूल जाता है तो मिग्गी उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं, उसकी टीचर थी। टीचर जब उसे देखती हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि शिनजी इफेक्टेड है। टीचर शिनजी से कहती हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं इंसानों को इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझ में इंसानों वाली क्वालिटी हमेशा रहे। वो उसे एक और पैरासाइट से मिलवाती हैं, एक होती है स्टूडेंट और दूसरा पुलिस ऑफिसर। वो उसे बताती हैं कि पुलिस ऑफिसर मेरे हस्बैंड है और मैं एक्सपेक्टेड हूँ, हमारे यहाँ बेबी होने वाला है, वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसलिए हम इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम किसी का कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन हम छुप कर गोश्त खाना चाहते हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करो? लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और मिग्गी शिनजी को इन्फॉर्म करता है कि ये पुलिस ऑफिसर हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमने उस दिन एक रेस्टोरेंट में पैरासाइट को मारा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर इन पर हमला कर देता है। मिग्गी और शिनजी भी डट के मुकाबला करते हैं और उस पुलिस वाले को मार डालते हैं। फिर शिनजी जब घर आता है तो उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने कत्ल कर दिया। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले की बॉडी से पैरासाइट निकल के किसी और की बॉडी में घुस जाता है, और ये कोई और नहीं, शिनजी की माँ थी। वो शिनजी को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। मिग्गी शिनजी को फिर इन्फॉर्म कर देता है कि ये भी तुमको मारना चाहती हैं। फिर शिनजी मिग्गी को कहता है, खबरदार मेरी माँ के ख़िलाफ़ कुछ बोला, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मरे। फिर उसकी माँ का सर भी दूसरे पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है। फिर शिनजी की माँ उस पर हमला कर देती है। शिनजी का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो मरने वाला हो जाता है, लेकिन अगली सुबह शिनजी बिल्कुल सही सलामत उठ खड़ा होता है। मिग्गी उसे बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे ज़ख्मों को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ अफसोस की बात ये थी कि मिग्गी के सारे जरासीम शिनजी की बॉडी में जा चुके थे। शिनजी अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो अपनी टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बताती।
फिर मिग्गी शिनजी से कहता है कि मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की ज़रूरत है और उस वक्त मैं तुमको बचा नहीं सकता, क्योंकि मिग्गी के सारे सेल्स शिनजी की बॉडी में आ गए थे इसलिए उसके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आने लगी थी। फिर हमें वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जिससे शिनजी को उसकी टीचर ने मिलवाया था, वो भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो शिनजी का दोस्त बनने का ड्रामा करता है लेकिन सबको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और वो स्कूल में सबको मार देता है। वो शिनजी की दोस्त को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शिनजी अपनी दोस्त को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर वो टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और वो चाहती थी कि ये स्टूडेंट मर जाए ताकि उसका राज ना खुले। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है लेकिन उस स्टूडेंट को कुछ नहीं होता। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन वो स्टूडेंट पुलिस को भी मार डालता है। शिनजी दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाके तीर से उस पैरासाइट को मार डालता है। फिर वो अपनी टीचर के पास जाता है और पुलिस वाले का पता मालूम करता है जो कि खुद पैरासाइट था। टीचर उसे एड्रेस दे देती है लेकिन वो पैरासाइट अब भी उसकी माँ के जिस्म के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिग्गी के सोने का वक्त हो जाता है, इसका मतलब ये था कि शिनजी को अब अकेले ही लड़ना होगा। शिनजी बहुत मुश्किलों से उसकी गर्दन काट कर उसको मार डालता है जिसकी वजह से उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। फिर शिनजी अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो उससे बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मार डालूंगा, लेकिन वहाँ पर उनकी तस्वीरें खींच रहा था कोई और वो कोई एक जासूस था। और यहाँ पर पैरासाइट पार्ट 1 ख़त्म हो जाती है। पैरासाइट पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।